नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। रामपुर में ईद के अवसर पर MIMT के डॉक्टर शादाब खान ने सभी स्टाफ को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी तथा सभी को प्यार और मोहब्बत से त्योहार मनाने को कहा। इसी मौके पर डायरेक्टर शादाब खान ने अपने समस्त स्टाफ को जानमाज व पूजा आसान दिए। मुस्लिम स्टाफ को जानमाज और अन्य स्टाफ को पूजा आसान दिए। इस मौके पर वकार अली, फईम खां, अनिल कुमार, मोहम्मद शादाब, जीशान खां, मुहासिब, शाहरुख खां, मरियम, मारिया जाफरी, फरहीन अनम, हर्षिता, चांदनी रस्तोगी, सलोनी, रोहित, अश्वनी वर्मा, अलोक कुमार, अमरीश सक्सेना, अंकित कुमार आदि मौजूद रहे। YIS न्यूज के लिए रामपुर से प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। त्यौहार आ रहा है, इसे पता है ईद उल अजहा। और हमारा प्यार से आता है, जब जब कोई त्यौहार आए, चाहे ईद आए या होली आए, एक प्यार भरा संदेश देने की कोशिश की जाती है। और हमारा एक इंस्टीट्यूट है, इसका नाम है MIMT है, और उसका एक हम मिशन भी चलाते हैं, इसका नाम है मिशन मुस्कान, जिसमें हमें ऊपर वाला हमसे कुछ काम लेता है, जिसमें वीडियोज की मदद करना या फिर राशन डिस्ट्रीब्यूश करना, मेडिसिन प्रोवाइड करना, तो ये काम भी हमारे सोशल वर्क चलते रहते हैं। तो उसी का बस दिमाग में आया कि क्यों ना आज ऐसे मौके पर हमें राशन जो चलता रहता है हमारा, ऐसे मौके पर जनमाज और पूजा आसन बांटे जाए। तो हमने अपने पूरे स्टाफ को, जो मुस्लिम स्टाफ था उनको जनमाज बांटी, और जो हमारा नॉन मुस्लिम स्टाफ था हमारा, उसको हमने पूजा आसन बांटे। कुछ वीडियोस को भी बुलाया गया था, और जितना हो सकता है वो हमसे कराता है, कुछ वीडियोस की भी सपोर्ट की जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनको भी हमने जनमाज बांटी गई। ये मैसेज दिया जाता है, देखो चादर एक ही है, तुम पढ़ लो तो पूजा आसन बन जाता है, और मैं पढ़ लूँ जनमाज बन जाता है, और सब मिलके अपना इबादत करके दुआ करें, अपनी दुआ करें, अपने परिवार के लिए दुआ करें, अपने समाज के लिए दुआ करें, एक खुशहाल समाज के लिए दुआ करें, और मिल बांट के हम रहें। करीब आज 80 लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, और 80 लोगों को जब सबके चेहरे पर बड़ी खुशहाली थी, एकता का, प्यार का, ये प्यार बांटने का काम किया गया, आओ गले लगाएं और हम एक नया राष्ट्र बनाएं। देखिए, मिशन मुस्कान के तहत ये कार्य चलता रहता है, और हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम समाज की प्रति कुछ काम करें और समाज को खुश करने की कोशिश करें। हम पैदा हुए थे, यदि मर जाना है, क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, और हम जो खिदमत खल करेंगे, गरीबों के लिए करेंगे, कमज़ोरों के लिए करेंगे, वही बचेगा। बाकी कोई एसेट नहीं है आपकी या मेरी, वही एसेट है जो हम किसी काम कर देते हैं। ऊपर वाले खुश करने के लिए कमज़ोरी मदद करना ज़रूरी है। ऊपर वाला खुश कब होता है? जब हम कमज़ोरों की मदद करते हैं। कहते हैं सदका करो, दान करो, उसकी जो जलाल है वो कम होता है सदक़े से। तो इसलिए सदका, मदद, जितने त्यौहार आते हैं इसमें भी कहीं ना कहीं गरीबों की मदद छुपी हुई होती है। अगर ईद उल अजहा होती है, कुर्बानी होती है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी गरीबों के लिए होता है, उनका पेट भरता है। और ऐसे ही हर धर्म में प्यार मोहब्बत का संदेश है। तो ये त्यौहार आ रहा था, उस त्यौहार पे हमने संदेश दिया है कि आइए गले मिलते हैं, तुम नमाज भी पढ़ो, तुम पूजा भी करो, और देश की उन्नति का हिस्सा बनिए, और अपने राष्ट्र को समझ पर ले जाइए, और प्यार मोहब्बत से रहिए।